सचिन पायलट साहब ने पूरे 5 साल मेहनत करके राजस्थान में सरकार बनाने में अपना योगदान दिया और आज लगातार 2.5 साल से वो कांग्रेस के कार्यकर्ता को तवज्जो देने की और कार्यकर्ता के मान सम्मान की बात कर रहे हैं। पायलट साहब ने एक बात कही कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए। आज 1 साल से 20 मंत्रियों के द्वारा सरकार चली जा रही है, 9 पद हमारे पास खाली हैं, क्यों नहीं उन 9 पदों को भर करके और विभागों का बंटवारा इस तरीके से किया जाए कि सब लोगों का मान और सम्मान इसमें हो। बार बार हमारे साथियों के द्वारा एक बात कही गई कि कांग्रेस का मूल वोट बैंक SC ST माइनॉरिटी, और इस बार मैं कहना चाहूँगा कि मूल OBC और विशेषकर गुर्जर समाज ने कांग्रेस को 90% वोट दिया है, लेकिन जब विभागों का बंटवारा सरकार में हुआ तो आप हालात देख सकते हैं कि ना तो SC के पास कोई जनता से जुड़ा हुआ विभाग है, ना माइनॉरिटी के पास कोई ऐसा विभाग है, ना ऐसे गुर्जर समाज के पास ऐसा कोई विभाग है जिसको लेकर के हम जनता के बीच में जा सके। इस बात को लेकर के बीच बीच में हमारे साथियों ने कई बार हमारे SC के साथियों ने बात कही, वेद प्रकाश सोलंकी जी कई बार इस मुद्दे को उठाते हैं, और मैं इस बात पर कहना चाहूँगा कि जिन वोटों के दम पे सरकार बनी है, जिस पूर्वी राजस्थान के दम पे सरकार बनी है, 100 में से 54 सीटें पूर्वी राजस्थान में आई हैं, तो क्या मंत्रिमंडल के बंटवारे में पूर्वी राजस्थान को इतना हिस्सा मिला? क्यों नहीं मिला? मिला या नहीं मिला, इस बात पे बार बार पायलट साहब और हम सब लोग बात कहते हैं कि जिस क्षेत्र ने जितनी सीटें आपको जीत के दी हैं, उन सीटों को बराबर, उनका उन क्षेत्र को बराबर अपना हक मिलना चाहिए। दिन में मैं हमारे BSP से जो साथी आए उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, वो हम लोगों को गद्दार कह रहे हैं, जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी को खून पसीने से सींचा उन लोगों को गद्दार कह रहे हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से उनको कहना चाहूंगा कि भाई संदीप यादव जी ने जो बात कही कि हमने सरकार बचाई, संदीप जी सरकार बनाई किसने? सबसे पहले अगर सरकार बनती नहीं तो आप कांग्रेस में आते कहां से? आप तो उस समय आए जब हमारी सरकार बन चुकी थी, हमारे पास स्पष्ट बहुमत था, उसके बाद आप कांग्रेस पार्टी में। जिस तरीके से हम लोगों को गद्दार कहने का काम किया और किन लोगों ने कहा, उनका खुद का इतिहास आप देखें। संदीप जी पहले BJP में थे, आपके यूथ बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट थे, जब BJP ने उनको टिकट नहीं दिया BSP में चले गए, BSP को धोखा देकर के कांग्रेस में आ गए। किस मुंह से गद्दारी की बात करते हैं? किस मुंह से गद्दारी की बात करते हैं? बात करने से पहले आदमी को अपने गिरबा में झांकना चाहिए कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। वो गद्दार बता रहा इंद्राज गुर्जर को, जिस इंद्राज गुर्जर का इतिहास आज 20 साल से मैं कांग्रेस पार्टी में काम कर रहा हूं।